हाय एवरीवन दिस इज़ वोने आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है कि ऑलमोस्ट हंड्रेड इयर्स हो गए हैं इंसुलिन यूज़ के तो इंसुलिन पे आज हम ये चर्चा करेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पी आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा अब देखिए 2021 तो यहाँ पे आ, 2021 में हंड्रेड एनिवर्सरी जो है इंसुलिन की डिस्कवरी की हुई तो 2021 में तो अब 2022 आ गया तो आप कह सकते हैं कि हंड्रेड इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इससे जो डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ पहले लोग डायबिटीज़ से मर भी जाते थे जब भी डिटेक्ट होती थी तो कुछ देर में कुछ साल में उनकी डेथ हो जाती थी इंसुलिन की डिस्कवरी से पहले उनकी जो लाइफ स्पैन है ह्यूमंस का वो कट शॉर्ट हो जाता था जिसको डायबिटीज़ हो जाती थी लेकिन इंसुलिन जब से खोजी गई इसकी डिस्कवरी हुई तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई प्रिंट मीडिया में भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं अब देखिए अगर हम सौ साल के पहले की बात करें तो फोर्टीन ईयर ओल्ड लियोनार्ड थॉम्पसन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको टाइप वन डायबिटीज़ के लिए ये जो शॉर्ट है इंसुलिन का वो मिला पहले जब मेडिकल एडवांसमेंट इतना नहीं था तो जो लोग टाइप वन डायबिटीज़ से सफ़र करते थे आप उनको ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ज़्यादा लंबा जिएंगे डिटेक्शन के बाद वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूँ डायबिटीज़ हमारी दो तो तरह की होती है कुछ लोगों को टाइप वन डायबिटीज़ होती है कुछ केसेस में हम टाइप टू डायबिटीज़ देखते हैं टाइप वन डायबिटीज़ में क्या होता है बेसिकली जो हमारे सेल्स होते हैं पेनिक्रियाज के जो इंसुलिन बनाते हैं वो सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इंसुलिन बनना बंद हो जाता है और टाइप टू जो होता है इसमें क्या होता है कि कुछ लोग रेजिस्टेंट होते हैं इंसुलिन के लिए यानी इंसुलिन उन पर असर ही नहीं करती अब इंसुलिन हमको क्यों चाहिए आपको नॉर्मल समझना चाहिए कि नॉर्मली जो हमारी ब्लड शुगर है ग्लूकोज राइट right. उस पर वर्क करने के लिए हमको इंसुलिन चाहिए अगर सपोज हमारा एक सेल है राइट right? उस पर रिसेप्टर होगा इंसुलिन का तो आप समझ लो कि इंसुलिन एक चाबी है टाइप वन सेल में क्या होगा कि ये चाबी ही गुम जाएगी जिससे रास्ता खुलेगा कि ग्लूकोस ग्लूकोस जो है वो हमारे सेल में एंटर कर सके हमारे पास चाबी ही नहीं है सेल की ये टाइप वन डायबिटीज़ हो गई टाइप टू में आप समझिए कि वो चाबी डिफेक्टेड है या ब्रोकन है टूटी हुई है चाबी है इंसुलिन है लेकिन सेल के अंदर नहीं जा पा रही क्योंकि जो चाबी है वो टूटी हुई है तो इस तरह से टाइप वन टाइप टू डायबिटीज दो तरीके की होती हैं अब देखिए पहले कॉम्प्लिकेशन में कुछ कई बार कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जब पहली बार ये शॉट दिया गया फिर सेकंड शॉट जो है वो ट्वेंटी थर्ड जनवरी 1922 को दिया गया और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हुआ और काफ़ी लोगों को होप मिला टाइप वन डायबिटीज़ पेशेंट्स को एक्रॉस द वर्ल्ड कि अब उनकी ज़िंदगी इम्प्रूव हो सकती है इसके बाद जैसे ही ये पता चला कि जो डायबिटीज़ है उसका इलाज है इंसुलिन वर्क कर रही है तो ये सक्सेस एकदम लोगों में फैल गई और डिमांड जो है इंसुलिन uh, की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई फिर मास प्रोडक्शन में 1922 में अगर आप देखेंगे इंसुलिन का शुरू हो गया एली लिली फर्स्ट मैन्युफैक्चरर बन गए फिर पहले देखिए किस तरीके से ये इंसुलिन बनाते थे उसके बाद पिग्स और काउज से इंसुलिन लेके सप्लाई करना शुरू किया लेकिन उसमें कंटामिनेशन हो जाता था लोगों को रिएक्शन होने लगा और आज अगर हम बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के मेथड से इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है आज यही जो कंपनी है अराउंड वन पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स अराउंड फिफ्टी वन कंट्रीज में पूरी दुनिया में चलाती है अब देखो कि किसने डिस्कवरी की इंसुलिन की इंसुलिन को डिस्कवर किया सर फ्रेडरिक जी बैंटिंग चार्ल्स एच बेस्ट जे जे आर मैकलोर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरेंटो में 1921 में बेस्ट माइंड्स जब साथ में आते हैं यू नो बिग डिसीजंस आर मेड एंड बिग डिस्कवरीज आर डन तो और इनके साथ इन तीन लोगों के साथ जेम्स बी कॉलिप बाद में उनका नाम भी इंसुलिन के साथ जुड़ता है क्योंकि उन्होंने ह्यूमन यूज़ के लिए इंसुलिन को प्योर किया उसको प्योरिफाई किया सेफर टेस्टिंग ह्यूमंस पे करने के लिए तो मेडिकल ब्रेक थ्रू इंसुलिन की डिस्कवरी को माना जाता है ब्रेक थ्रू हम उस तरह की डिस्कवरी को कहते हैं जिसके बाद एकदम दुनिया चेंज हो जाए तो डेफिनेटली इंसुलिन की डिस्कवरी एक ऐसी डिस्कवरी है जिसको एक मेडिकल ब्रेक थ्रू माना जाता है ट्वेंटी सेंचुरी का और आज भी टाइप वन डायबिटीज़ के लिए ग्लोबली गो टू ट्रीटमेंट हमारे पास यही है इंसुलिन 1920 में जो साइंटिस्ट थे उस टाइम तक वो लोग ये समझ गए थे कि टाइप वन डायबिटीज जो है उसका अगर उसका कॉज क्या है कि वो क्यों हो रही है देखिए आइलेट्स जो हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स इन द पेनिक्राज हमारा जो पेनिक्रियाज रहता है हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है उसमें एक, एक आप कह सकते ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनको आइलेट्स बोलते हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं अगर किसी इंसान में ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो वो इंसान सफ़र करता है टाइप वन डायबिटीज़ से क्योंकि उसकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देगी अगर आपके आईलेट से डिस्ट्रॉय हो गए यही इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं ये नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी जो पर्सन है दैट विल सफ़र फ्रॉम डायबिटीज़ अब फ्रेडरिक बैंटिंग कैनेडियन सर्जन थे और प्रोफेसर जॉन मैकलोर जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरेंटो के थे वो दोनों मिलके साथ में आए नवंबर 1920 में कि हम सक्सेसफुली पेनिक्रियाज से ये जो ऑर्गन है इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करेंगे निकालेंगे तो थोड़े दिनों बाद ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो शुरू कर दिए गए और यहाँ पर जो बेस्ट थे चार्ल्स बेस्ट वो स्टूडेंट थे उनके वो भी उनकी मदद करने के लिए आ गए उनके मेथड में क्या था कि उन्होंने डॉग्स को इन्वॉल्व किया ठीक है ये एक्सपेरिमेंट डॉग्स पे किया कि जो पेनिक्रियाटिक डक्ट है उसको बांध दिया टाई ऑफ कर दिया और जो सब्सटेंस था जो पैनक्रियास को इन सब्सटेंसेस को ख़त्म कर सकता था इंसुलिन को डिस्ट्रॉय कर सकता था उसको निकाला लेकिन आइलेट्स जो हैं आइलेट्स जो हैं उनको इंटैक्ट रखा तो पेनिक्रेटिक डक्ट को इस तरह से रखा कि जो सब्सटेंसेस हैं जो इंसुलिन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं क्योंकि देखिए इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम थी जब तक हम उसको पेनिक्राज से एक्सट्रैक्ट करते तो इंसुलिन बाहर निकल के बर्बाद हो जाती थी हम उसको किसी को दे नहीं सकते थे तो अगर हमें पेनिक्राज से जो इंसुलिन है वो निकालनी है तो हमें इस तरीके से निकालनी पड़ेगी कि आइलेट्स आपके इंटैक्ट रहें और हम उन सब को अलग करें पेनिक्राज के जो कि इंसुलिन को खराब कर सकती हैं कंटामिनेट कर सकती हैं फिर जो रिमेनिंग पीछे एक्स्ट्रैक्ट एक बचेगा वो बाकी डॉग्स को दिया गया जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करते थे उन, उनके पैनक्रियाज खुद एक्सपेरिमेंट के लिए रिमूव किए गए थे क्योंकि इनके ब्लड शुगर लेवल पे इंसुलिन का क्या असर होगा ये चेक करना था तो इस तरीके से डॉग्स लेकर ये एक्सपेरिमेंट किया गया उनके पैनक्रियाज से किस तरह से इंसुलिन निकाली और फिर वो इंसुलिन उन डॉग्स को दी जिनमें इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती थी और फाइनली नवंबर 1921 में ये लोग ये एक्सपेरिमेंट करने में बिल्कुल सक्सेसफुल रहे फिर बायोकेमिस्ट जेम्स कॉलिप जो हैं उन्होंने इन तीनों को ज्वाइन किया और प्योरीफाई किया इंसुलिन को ताकि वो ह्यूमंस की टेस्टिंग के लिए उसको सेफ बनाया जा सके और फिर मैंने आपको बताया आगे वाले महीनों में जो थॉम्सन था उसको एडमिनिस्टर किया गया पहला डोज बैंटिंग और मैक्लोड नोबल प्राइज़ मिला उनको फिजियोलॉजी और मेडिसिन में अक्टूबर 25 uh, 1923 में कि इन्होंने इंसुलिन जो है बैंटिंग और मैक्लोर ने डिस्कवर की इनको नोबल प्राइज़ दिया गया तो so, डिस्कवर uh, किस किस ने किया था ओब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया जो जेम्स वर्ट्राम हर्बर्ट ये जो बेस्ट जिनको मैं बोल रही हूँ इनके स्टूडेंट थे कॉलिप ने प्योरीफाई किया तो so, इनिशियली इन दोनों ने ये प्रोसेस जो है इंसुलिन ढूंढने का एक्सपेरिमेंट जो है वो शुरू किया था तो जिस तरह से मैं आपको समझा रही थी ना टाइप वन डायबिटीज़ चाबी खो गई है देखिए इस डायग्राम में आप उस चीज़ को समझ सकते हैं कि इंसुलिन कैसे वर्क करती है ये हमारा सेल है और हमारा ग्लूकोस है अब ग्लूकोज यहाँ से अंदर जाएगा हमारे सेल के तभी उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी उससे जो काम लेना है ग्लूकोज का वो कर पाएगी एब्जॉर्ब मतलब एब्जॉर्ब तो पहले हो जाएगा बट सेल के अंदर कैसे जाएगा तो ये इंसुलिन रिसेप्टर है और ये इंसुलिन है तो आप समझ लिए इंसुलिन इस तरह की चाबी है जो जब इस पर लग गई जैसे ही इंसुलिन इंसुलिन रिसेप्टर पे लगता है तो ये ग्लूकोज चैनल खुल जाता है और ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर आ जाता है तो टाइप वन डायबिटीज़ में मैं आपको ये बता रही थी कि ये चाबी गुम जाती है खो जाती है ये चाबी ही नहीं होगी तो ग्लूकोज रिसेप्टर क्लोज रहेगा तो ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा और टाइप टू डायबिटीज में ये चाबी यहाँ पे लग रही है बट ये डिफेक्टिव है इससे ये ग्लूकोज चैनल नहीं खुल रहा सो दैट इज द डिफरेंस विटविन टाइप वन एंड टाइप टू डायबिटीज स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखेंगे तो आज भी डायबिटीज लीडिंग कॉज है डेथ का अब इसकी ट्रीटमेंट आने के बाद भी एज मैनी एज फिफ्टीन पर वन लाख एक लाख में से पंद्रह लोग टाइप वन डायबिटीज़ से सफ़र करते हैं नाइन पॉइंट फाइव परसेंट प्रेवलेंस है ये स्टडी एन सी बी आई ने मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी में इस्टेब्लिश की है केसेज़ इंक्रीज़ होते जा रहे हैं नाइनटीन नाइन्टी से इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन जो है उसने बोला फोर फिफ्टी वन मिलियन एडल्ट जो हैं वो डायबिटीज़ के साथ पूरी दुनिया में टू थाउजेंड सेवेंटीन तक रह रहे हैं और प्रोजेक्टेड केसेज इंक्रीज़ होने को हैं कि सिक्स नाइन्टी थ्री मिलियन केसेज़ हो जाएंगे बाई टू थाउजेंड फोटी फाइव ये मैं आपको डायरेक्ट डेटा बता रही हूँ जो एन सी बी आई और वेरियस अदर स्टडीज़ ने बताया है यहाँ पर बी एन सी स्टडी ने नोट किया है टाइप वन डायबिटीज़ जो है अमेरिका में हाईएस्ट है दस हज़ार में से बीस लोग डायबिटिक हैं उसके बाद एशिया उसके बाद यूरोप यौर, यानी एशिया में फिफ्टीन पर आ, पर वन लाख ईच एशिया यूरोप दोनों में और अफ्रीका में एट पर टेन थाउजेंड तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा केसेस यहाँ पे हैं कि इंसुलिन होने पे भी इंक्रीजिंगली क्रिटिकल सिचुएशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी आई थिंक इस डेटा में कन्फ्यूजन है यहाँ पे ये लैक होना चाहिए राइट थाउजेंड इज टू लेस आई थिंक आई वुड लाइक टू करेक्ट हियर ये वाला डेटा ठीक है ये बीच वाला शायद वन लाख की जगह टेन थाउजेंड होगा ओके तो ये कॉन्टिनेंट वाइज है कि दस हजार में से बीस लोगों को अमेरिका में है पंद्रह लोगों को एशिया यूरोप में है और आठ लोगों को पर टेन थाउजेंड अफ्रीका में है तो ये तीन कॉन्टिनेंट वाइज इन्होंने बता रखा है कि कितना यहाँ पे लोग डायबिटिक हैं टाइप वन डायबिटीज़ के फैक्ट्स हैं कुछ कि अराउंड 1.6 मिलियन लोग यूएस में इफ़ेक्टेड हैं और टाइप वन डायबिटीज़ किसी वायरस की वजह से भी ट्रिगर हो सकती है कि आपके जो सेल्स हैं वही डिस्ट्रॉय हो जाएं। लाइफस्टाइल भी मैटर करता है ओब्वियसली इंसुलिन की एक्सेसिबिलिटी अगर आप देखेंगे तो डिफ़िकल्ट भी है काफ़ी अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंसुलिन मिलना महंगा भी आता है तो वार्निंग्स जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इस बारे में दी जाती हैं कि प्लान किए जाए कि प्रिवेंटिव मेजर्स या डायबिटीज़ से बचने के क्या हैं अब इंजेक्शन जो लोग इंसुलिन का लेते हैं क्योंकि अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो ऑब्वियसली उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे सप्लाइज़ गैदर करो हाथ अच्छे से साफ़ करो इस तरह से सिरिंज जो है वो डाली जाती है वाइल में और फिर उसको इंजेक्ट किया जाता है और फिर सिरिंज को डिस्पोज ऑफ किया जाता है कॉजेज़ बहुत हैं इसके जैसे मैंने आपको ये बताया सबसे पहले कि डैमेज हो जाते हैं आपके सेल्स पेनिक्रियाज़ के इन्वायमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं और ड्रग्स केमिकल टॉक्सिंस हो सकते हैं जेनेटिक रीजंस हो सकते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेज़ हो सकती हैं ऑटो इम्यून में आपके ही बॉडी जो है आपके इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है तो कई बार वो आपके पेनिक्रास की सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है सिम्टम्स किस तरह के होते हैं डायबिटीज़ के बार बार यूरिनेशन होगा बहुत प्यास लगेगी बहुत भूख लगेगी फटीक हो सकता है ब्लड विजन वेट लॉस हो जाएगा आप इरिटेट होंगे बहुत ज़्यादा तो ये सब रिलेटेड है आपके इंसुलिन से रिलेटेड क्योंकि इसकी डिस्कवरी को आज सौ साल हो चुके हैं क्वेश्चन है आपके लिए दिस मेजर डज नॉट हेल्प टू प्रिवेंट डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन Controlling blood lipids and blood pressure, prompt detection of diabetic eye and kidney disease, eliminating all carbohydrates from the diet, controlling blood glucose. तो so, आप मुझे comment section में बता सकते हैं या telegram में poll में participate करके आंसर जान सकते हैं। बाकी आप website visit कर सकते हैं, application download कर सकते हैं, courses EMI पे भी available हैं। Thank you so much.